दोस्तों, अमेरिका और आयरलैंड के बीच खेले गए सुपरहिट मुकाबले की समाप्ति के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2024 के पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। अमेरिका और आयरलैंड के बीच का ये रोमांचक मुकाबला जैसे ही खत्म हुआ, टी20 वर्ल्ड कप 2024 के पॉइंट्स टेबल में भूचाल सा आ गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टीमों को लग गया है बड़ा झटका। सुपर एट की रेस में इन टीमों की जगह पक्की, तो यह टीमें बाहर होने की कगार पर टी20 वर्ल्ड कप 2024 का नया पॉइंट्स टेबल जारी हो चुका है। इस पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस स्थान पर मौजूद है जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 के नए पॉइंट्स टेबल में क्या बड़ा उलटफेर हुआ है, कौन सी टीम कितने नंबर पर है, अब यहां से कौन सी टीमें सुपर एट में जगह बना रही है, किस टीम को कितने मुकाबले जीतने हैं। सुपर एट में जाने के लिए कौन सी टीमें सुपर एट की रेस से बाहर हो चुकी है टी20 वर्ल्ड कप 2024 का बिल्कुल नया पॉइंट्स टेबल आप सभी को बताएंगे, इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीते तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आयरलैंड और अमेरिका टीम के बीच फ्लोरिडा क्रिकेट स्टेडियम में बहुत रोमांचक महामुकाबला खेला गया। दोनों ही टीमों के बीच में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। अमेरिका और आयरलैंड के बीच धमाकेदार मुकाबले की समाप्ति के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2024 के पॉइंट्स टेबल का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव हो गया है, तो आइए दोस्तों अब आपको टी20 वर्ल्ड कप 2024 के नए पॉइंट्स टेबल के बारे में बताते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे बेस्ट बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल के बारे में बताते हैं। इस ग्रुप में सबसे नीचे श्रीलंका की टीम मौजूद है। आपको बता दें, वर्ल्ड कप के इस टूर्नामेंट में अभी तक श्रीलंका की टीम 3 मैच में पार्टिसिपेट कर चुकी है, जिनमें उन्हें 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा था और 1 मैच इनका रद्द हुआ था। श्रीलंका के पास पॉइंट्स टेबल में मात्र 1 पॉइंट है और नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, जो कि काफी खराब है। श्रीलंका 1 मैच और खेलेगी यहां से, लेकिन अब ये बात क्लियर हो गई है कि श्रीलंका की टीम अब सुपर एट में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। जबकि इसके बाद दोस्तों पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर नेपाल की टीम है। नेपाल 2 मुकाबले खेल चुकी है, 1 मैच इनका भी रद्द हुआ था और 1 मैच में इन्हें हार झेलनी पड़ी थी। इस वजह से इनके पास पॉइंट्स टेबल में 1 पॉइंट है और नेट रन रेट इनका भी माइनस में होने की वजह से काफी खराब है। जबकि वहीं पर दोस्तों पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर नीदरलैंड की टीम है। नीदरलैंड ने 3 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबले में जीत मिली है, 2 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास पॉइंट्स टेबल में 2 पॉइंट्स है। ये टीम भी सुपर एट में अब क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। हालांकि अभी इनका 1 मुकाबला बचा हुआ है। जबकि दोस्तों दूसरे नंबर पर बांग्लादेश की टीम है। बांग्लादेश टीम 3 मैच खेली है, 2 मैच में बेहतरीन जीत मिली और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास पॉइंट्स टेबल में 4 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट +0.478 है। बांग्लादेश इस ग्रुप से सुपर एट में क्वालिफाई होने के लिए पूरी तरह से रेडी है। जबकि पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम है। साउथ अफ्रीका ने 3 मैच खेले हैं, 3 में लगातार जीत मिली है। इनके पास टोटल 6 पॉइंट हो चुके हैं और नेट रन रेट +0.603 का काफी बढ़िया है। साउथ अफ्रीका भी सुपर एट में 100% क्वालिफाई कर गई है। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद अब आपको ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल के बारे में बताते हैं। इस ग्रुप में सबसे नीचे 5वें नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है। न्यूजीलैंड अभी तक सबसे कम 2 मैच खेली है और दोनों में ही उन्हें हार झेलनी पड़ी है। इस वजह से इनका पॉइंट्स टेबल में खाता नहीं खुला है और आपको बता दें, न्यूजीलैंड की टीम अब सुपर एट में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। हालांकि इनका भी 2 मैच बचा हुआ है, लेकिन उनमें अगर यह जीत भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि चौथे नंबर पर पापुआ न्यू गिनी की टीम है। ये टीम 3 मैच खेली है, 3 में हार मिली है। ये टीम सुपर एट में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। तीसरे नंबर पर युगांडा की टीम है। युगांडा ने 1 मैच में जीत हासिल की है, बाकी के 2 मैच में हार मिली है। इनके पास पॉइंट्स टेबल में 2 पॉइंट्स है, नेट रन रेट माइनस में है। ये टीम भी सुपर एट में जगह नहीं बना पाएगी। जबकि दोस्तों दूसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज की टीम है। वेस्ट इंडीज ने 3 मैच खेले हैं और 3 में लगातार बेहतरीन जीत मिली है। इनके पास टोटल पॉइंट्स टेबल में 6 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट +2.59
6 है। वेस्टइंडीज सुपर एट में इस ग्रुप से क्वालिफाई कर गई है, जबकि पहले नंबर पर अफगानिस्तान की टीम है। अफगानिस्तान ने भी 3 मैच खेले हैं, तीनों में लगातार जीत मिली है। इनके पास भी 6 पॉइंट्स हो चुके हैं और यह टीम भी सुपर एट में क्वालिफाई 100% कर गई है। जबकि इसके बाद दोस्तों अब आपको ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल के बारे में बताते हैं। इस ग्रुप में सबसे नीचे 5वें नंबर पर ओमान की टीम है। ओमान ने अपने चारों मैच खेल लिए हैं और चारों में इन्हें हार मिली है। इस टीम का सफर अब खत्म हो चुका है, ये टीम सुपर एट में नहीं जा पाई है। जबकि 4थे नंबर पर नामीबिया की टीम है। नामीबिया ने 3 मैच खेले हैं, 1 मैच में जीत मिली है, बाकी के 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास पॉइंट्स टेबल में 2 पॉइंट्स है और नेट रन रेट इनका काफी खराब है। ये टीम भी सुपर एट में नहीं जा पाएगी। जबकि इसके बाद दोस्तों 3रे नंबर पर इंग्लैंड की टीम है। इंग्लैंड अभी तक के टूर्नामेंट में 3 मैच में पार्टिसिपेट कर चुकी है, 1 मैच में जीत मिली है, 1 में हार और 1 मैच इनका रद्द हो गया था। इंग्लैंड के पास टोटल पॉइंट्स टेबल में 3 पॉइंट्स हैं। इन्हें सुपर एट में जाने के लिए अपने बचे हुए 1 मैच को हर हाल में जीतना ही होगा और इन्हें स्कॉटलैंड के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर स्कॉटलैंड अपना आखिरी मैच हारती है और इंग्लैंड अपना आखिरी मैच जीत जाती है तो इंग्लैंड सुपर एट में क्वालिफाई हो जाएगी। जबकि दोस्तों 2रे नंबर पर स्कॉटलैंड की टीम है। स्कॉटलैंड ने 3 मैच खेले हैं, 2 मैच में जीत मिली है, 1 मैच इनका रद्द हुआ था। इनके पास टोटल पॉइंट्स टेबल में 5 पॉइंट्स हैं, नेट रन रेट +2.164 है। अगर यह अपना अंतिम मुकाबला जीत लेते हैं तो आसानी से सुपर एट में क्वालिफाई कर जाएंगे। जबकि पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 3 मैच खेले और तीनों में ही इनको जीत मिली है। इनके पास टोटल पॉइंट्स टेबल में 6 पॉइंट्स हो चुके हैं, नेट रन रेट +3.580 है जो कि बहुत ही बढ़िया है। ऑस्ट्रेलिया सुपर एट में 100% क्वालिफाई हो चुकी है। अब इसके बाद दोस्तों ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में बारे में आपको बताते हैं। इस ग्रुप में नंबर 1 पर हमारी भारतीय टीम मौजूद है। टीम इंडिया 3 मैच खेल चुकी है, तीनों में इन्हें जीत मिली है। इनके पास टोटल पॉइंट्स टेबल में 6 पॉइंट्स हो चुके हैं और नेट रन रेट +1.137 है। हमारी भारतीय टीम सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई है।